खंडवा के मुदीनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 3 साल के मासूम की उसके बर्थडे के दिन ही निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के पास खेल रहा था, इसी दौरान वो लापता हो गया था। घंटों तलाश के बाद जब वो नहीं मिला तो परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। रात को घर से 5 मकान छोड़कर एक सूने मकान में मासूम की लाश मिली। लाश को बोरी में भरकर फेंका गया था। बच्चे की लाश मिलने के बाद चर्चा है कि ये हत्या रंजिश के चलते की गई है या बच्चे की बलि दी गई है। मौके पर पहुंचे एसपी विवेक सिंह से लेकर अन्य अफसर रात 1:30 बजे तक पड़ताल में जुटे रहे। इसके बाद शव को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया। जिसने भी बोरे में अक्षांश की लाश देखी उसकी रूह कांप गई। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। अक्षांश के परिवार में माता पिता व 5 साल का एक बड़ा भाई श्रेयांश है। पिता मजदूरी करते हैं। क्या चाहते हो आप? कोई इंसाफ मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि किसने करा है? इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते किसका नाम है। एसपी विवेक सिंह ने कहा कि घटना गंभीर है, हम हत्यारे को जल्द पकड़ लेंगे। हत्यारे की तलाश में मौके पर डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। डॉग घटना स्थल जर्जर मकान के आसपास ही घूमता रहा। हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगे हैं। घर से खेलने के लिए पड़ोस में निकले हुए थे। 2 बजे के आसपास उनकी माँ ने परिजनों ने देखा कि अभी तक बच्चा खेल कर नहीं आया है, तो खोजना शुरू किया। आसपास कई जगह उसको तलाश किया गया जहाँ संभावित स्थान हो सकते हैं कि बच्चा किसी पानी के गड्ढे में या फिर हो गया हो। शाम को 6-7 बजे करीब तो बच्चे की लाश एक खाली मकान है जिसमें आधा टीम है, वहाँ पर उस बच्चे की लाश बोरे में बंद गई। उसके बाद कुछ सूचना दी गई, तत्काल मौके पर पहुँच जाते जो जो संभावना हो सकती है इतना उन सभी चीज़ों को छानबीन की जा रही है। और अभी वर्तमान में लड़के का भी अंतर आने पर गिरफ्तारी को दफाने के लिए किया गया है। शीघ्र ही अज्ञात आरोपियों को पता कर लिया जाएगा कि उन्होंने ये गंभीर वारदात को अंजाम दिया है और ये जघन्य अपराध किया है। तो क्या लग रहा है, क्या कारण होंगे? कारण उसी का पीएम रिपोर्ट के बाद और जो आसपास के लोगों से और पूछताछ की जाएगी तभी पता पाएंगे कि घटना का उद्देश्य क्या हो। प्राथमिक जाँच में पुलिस ने पाया कि अक्षांश की हत्या हुई है। उसके गले में चोट के निशान है, गला दबाकर हत्या की गई है। गले में खून लगा हुआ है, इसे ऐसा लग रहा है कि उसका गला काटने की कोशिश की गई है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या कैसे की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की पकड़ में आते हैं। खंडवा से निशात सिद्दकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।